तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 102 जिसमें दिया क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन 4 = 3x + 4। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सबसे पहले अपन मतलब समझते हैं। तो अगर ये एक लाइन है, लाइन ही बना लेते हैं अपन, तो अगर ये एक लाइन है, ठीक है, कौन सी लाइन है ये है y = 3x + 4, ठीक है, और ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कौन सा है 2, 3। तो अगर मैंने इससे एक परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन पे गिराई, ठीक है, परपेंडिकुलरली गिराई, तो अपन को ये जो पॉइंट है ना जहाँ ये गिर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को पता करने हैं, ठीक है। तो लेट ये पॉइंट हो गया अपना, इसको क्यू कह देते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट है पी, ठीक है। तो अगर देखो ये पी क्यू इस लाइन के परपेंडिकुलर है y = 3x + 4 के, तो पी क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका नेगे इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो इसका स्लोप तो देखो 3 है, क्योंकि ये y = mx + c के फॉर्म में है, तो ये होता है मेरा स्लोप, ठीक है। और अगर मैं पी क्यू का स्लोप देखूँ, एम पी क्यू, एम पी क्यू का स्लोप हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो मेरे पास एक स्लोप है और पॉइंट है, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y -3 = -1/3 x-2, फर्दर हो जाएगी 3y - 9 = -x + 2, फर्दर मोर x+3y - 11 = 0। ये हो जाएगी अपनी पी क्यू लाइन की इक्वेशन। अब देखो जो पी क्यू है और ये वाली जो लाइन है वो टकरा रही है क्यू पे, और अपन को क्यू ही निकालना है, तो अपन को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो इस लाइन को अपन ax + by + c के फॉर्म में लिखें, तो ये जाएगा 3x - y + 4 = 0। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा सिंपली, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x + x, तो ये हो जाएगा 10x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/10, और जैसे ही मैं ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, या फिर इक्वेशन 2 में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट करने से ये हो जाएगा y = 3x + 4, ये हो गया 3 × -1/10 + 4। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन आ जाएगी वाई की, कोऑर्डिनेट आ जाएगा वाई, वाई इज इक्वल टू -3/10 + 4, तो ये हो जाएगा 37/10। तो मेरे एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, -1/10, 37/10। तो दिस आर रिक्वायर्ड आंसर।